बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज कानपुर के विनायकपुर स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने कबड्डी, खो खो, दौड़, मेंढक कूद जैसी प्रतियोगिता में भाग लिए। राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने दीप जलाकर माल्यार्पण कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्प अर्पित किए और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार के द्वारा विजयी हुए बच्चों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से उत्साहवर्धन किया। आइए सुनते हैं नीलिमा कटियार राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। बोल इंडिया न्यूज़ के लिए कानपुर से सिराज अहमद खान की रिपोर्ट। किस तरह का एजुकेशन देना चाहते बच्चों को? आज यहाँ मैं विनायकपुर में हूँ और श्री विनायक स्कूल में हूँ और ये यहाँ पर जो संस्था है श्री विनायक स्कूल का शुरुआत हुई है। ये काफ़ी समय पहले यहाँ विद्यालय था, इसको मैं कहूँगी कि पुनर्स्थापना हो रही है विद्यालय की और आज बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए खेलकूद के प्रतियोगिताओं का यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सम्मानीय राज बहादुर सिंह जी, उन्होंने बहुत दयालुता पूर्वक समाज के लिए ये योगदान दिया है। प्रिंसिपल हैं अपूर्वा परमार जी और अंजलि शर्मा जी यहाँ इस कार्यक्रम में, ये खेलकूद का बच्चों का कार्यक्रम है, हमारी इंटरनेशनल प्लेयर हैं अंजलि शर्मा जी, उनकी प्रेजेंस से, उनकी उपस्थिति से हमारे विनायकपुर के बच्चों के अंदर खेलने के प्रति एक ललक और उत्साह पैदा होगा। आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं, सम्मानीय रश्मि गुप्ता जी हैं और मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ श्री विनायक स्कूल परिवार का कि उन्होंने बाल दिवस के इस अवसर पर बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का, उनके उनके जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर ये एक एक्टिविटी रखी है, एक कार्यक्रम खेलकूद का रखा है। मैडम, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे, उनके लिए कुछ संदेश? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और बच्चों से उनको विशेष स्नेह था और उनकी स्मृति में उनकी जयंती पर इसको बाल दिवस के रूप में हम इसको पाते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति और परंपरा है, जो तत्काल की पीढ़ी होती है, वो पल पल अपनी आने वाली पीढ़ी का संरक्षण, संवर्धन और पोषण करती है। ये हमारी सनातन परंपरा है, उसके तमाम संस्कार हैं, तमाम अवसर हैं। तो हमारे यहाँ एक दिन बाल दिवस के रूप में बच्चों की चिंता के लिए नहीं है, हमारा हर एक दिन बाल दिवस है, हर एक दिन वृद्धजन दिवस है। हम परिवार और एक साथ रहकर आगे बढ़ने वाली परंपरा के संवाहक हैं और इस बाल दिवस के विशेष अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।